नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि VXL प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कैसे क्रिएट किए जाती हैं। उसके लिए आपके स्क्रीन की दाई तरफ माय टेस्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद टेस्ट रिपोजिटरी पर क्लिक कीजिए। अब आपके स्क्रीन पर सारे पुराने टेस्ट दिख रहे हैं। नए टेस्ट बनाने के लिए क्रिएट टेस्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट टेस्ट का एक नाम दे देते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर वन। टेस्ट का एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, बोर्ड सिलेक्ट कर देते हैं, ग्रेड सिलेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे बस एक क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ जिसके लिए एक मार्क दे रहा हूँ। टेस्ट टाइप, यहाँ पर आप स्कूल टेस्ट, असाइनमेंट या फिर वर्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट स्कूल टेस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर सिलेक्ट कर लेते हैं, सब टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल रख रहा हूँ। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस, गेट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, माई स्कूल क्वेश्चंस, माई क्वेश्चंस और VXL क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर माई स्कूल क्वेश्चंस में से एक मार्क का एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। योर टेस्ट डेमो अंडरस्कोर वन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्ट अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर वन टेस्ट क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक स्केड्यूल नहीं हुई। इसके लिए इन तीन डॉट्स पे क्लिक करते हैं और स्केड्यूल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप जितने सेक्शंस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप स्टूडेंट की लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारे स्टूडेंट सिलेक्ट करने हो तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए। ये आपके कक्षा के सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। टेस्ट की एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए, मैं ये डेट यही रख रहा हूँ, और ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस टेस्ट के लिए 5 मिनट्स का ड्यूरेशन रख रहा हूँ। स्केड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह आपकी टेस्ट सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, जैसे आप स्क्रीन के राइट की तरफ देख सकते हैं। इसी तरह VXL प्लेटफॉर्म पर आप एक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।